देखते थे कि सलमान गाड़ी से वापस उतरकर वो किसी से गले मिले हैं और फिर वापस वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं और बस अब सलमान की गाड़ी जो है यहाँ से निकलने ही वाली है और बाहर जो है गैलेक्सी के बाहर वो फैंस का पूरा यहाँ पर जमावड़ा हुआ पड़ा है और साथ ही यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से गैलेक्सी के बाहर है और सलमान की गाड़ी बस यहाँ से बाहर निकल रही है और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सलमान के सारे फैंस बिल्कुल यहाँ पर बेकाबू हो रहे हैं सारे। तो आप देख पा रहे हैं इन रिपोर्ट्स के जरिए कि क्या स्थिति बनी हुई है, चाहे वो सलमान खान के घर के बाहर हो या फिर अदालत परिसर के आसपास हो। हर खबर सबसे पहले लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कर्णिका सेठ, आप एडवोकेट हैं, पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं फिल्म क्रिटिक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, ऐश्वर्या भाटी एडवोकेट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। पहला सवाल कर्णिका सेठ जी आपसे ही है, सलमान खान को तो फैसले का इंतजार है लेकिन दूसरा पक्ष भी है जिनके घर का अपना कोई शख्स चला गया, जिसकी मौत हुई, उन्हें भी इस फैसले का इंतजार है और 13 साल गुजर गए। जी 13 साल गुजर गए, लेकिन जब एक क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसमें वेरियस स्टेजेस होते हैं। एक सेशन कोर्ट में जब ये ट्रायल हो रहा है तो सारे सबूतों को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कभी एक पक्ष रखता है अपना तो कभी दूसरा पक्ष कोई अपना उसे चैलेंज करता है, तो इस दौरान समय ज़रूर लगता है बट एक सही निर्णय आए वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और काफ़ी डिले होने का कारण यह भी है कि बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हैं हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स में। अगर आप जस्टिस सिस्टम आज की डेट में देखेंगे तो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ जजेस और कोर्ट्स कम हैं जबकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस वही एक कारण है जिससे कि ये डिले हो सकता है, सिवाय इस फैक्ट के हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में। और देखा भी गया है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए हैं रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स से लेकर के डिफरेंट जो बताए गए हैं वर्मेंट्स के, भाई जैसे सलमान खान पहले कहा जा रहा था कि सलमान खान ड्राइव कर रहे थे और फिर उसे कॉन्ट्रोवर्ट किया जा रहा था कि नहीं सलमान खान नहीं, उनके ड्राइवर ने उसे ड्राइव किया। तो ये जब हम इस तरह के एलिगेशंस को देखा जाता है तो उसके सबूतों को देखते हुए ही फाइनल जो निर्णय लिया जाएगा उसकी मतलब उसी को देखते हुए लिया जाएगा।